हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट मिस्टर डूलिटल। तो आप लोगों को कुछ ऐसे 5 फैक्ट्स बताऊंगा जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये तो आप जानते ही होंगे कि आने वाले कल को टुमारो कहते हैं और आने वाले परसों को ओवरमोरो कहते हैं। वैसे ही बीते हुए कल को यस्टरडे कहते हैं। पर क्या आपको पता है कि बीते हुए परसों को क्या कहते हैं? उसे इयस्टरडे कहते हैं। हालांकि ये वर्ड अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। 1912 में एक अमेरिकन प्रेसिडेंट टेडी रूजवेल्ट एक स्पीच देने जा रहे थे, तभी अचानक से आकर उनको किसी ने गोली मार दी। तब सारे लोग चिल्लाने लग गए। तब उन्होंने कहा, फ्रेंड्स मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शांत रहो। मुझे मालूम है कि मुझे गोली लगी है, पर मेरे जैसे इंसान को मारने के लिए सिर्फ एक गनशॉट काफी नहीं है। मैं अभी बहुत लंबा स्पीच देने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे अंदर गोली है जो कि मेरे हार्ट में लगी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा देर तक उस स्पीच नहीं दे पाऊंगा, पर मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। फिर भी गोली लगने के बावजूद उन्होंने 90 मिनट्स तक का स्पीच दिया विदाउट सीकिंग एनी मेडिकल हेल्प। वाओ, दैट्स करेजियस। मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता। उनकी वर्थ $54 बिलियन है। इसका मतलब कि अगर वो रोज 1 करोड़ रुपीस खर्च करें तो उनको 1000 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे, और अगर वो रोज 10 करोड़ रुपीस खर्च करेंगे तो उनको 100 साल से ज्यादा लग जाएंगे इसको खत्म करने में। पेरिस का जॉर्ज 5 एवेन्यू, इसमें द हॉजमेनियन बिल्डिंग है जिसको द मेल्टिंग बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा लगता है जैसे बिल्डिंग पिघल रही हो। ये एक्चुअल डिजाइन नहीं है, इस पे बस एक वॉलपेपर लगाया हुआ है। इंडिया में कुछ ऐसे अमेजिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में लोग कुछ ज्यादा नहीं जानते, जैसे बांद्रा वर्ली सी लिंक। ये एक बहुत बड़ा ब्रिज है जो वेस्टर्न मुंबई को सदर्न मुंबई से जोड़ता है। इसके ऊपर एक ऐसी वायर लगी हुई है जिसको अगर आप खोलेंगे तो वो पूरे अर्थ का एक बार चक्कर लगा लेगी। ये अप्रोक्स 40,075 किलोमीटर की होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।